भरतपुर भारत के राजस्थान प्रांत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख और प्रसिद्ध शहर है, जिसे 4 जून 2005 को राजस्थान राज्य का नवीनतम सातवां संभाग बनाया गया था। ये एक प्राचीन शहर है जो चारों ओर से खूबसूरत पर्यटन स्थलों से घिरा हुआ है। फ्रेंड, यहाँ स्थित केवलादेव पक्षी अभयारण्य विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो कि प्रवासी पक्षियों का बसेरा है। दोस्तों, इस शहर का इतिहास भी काफी रोचक है। लगभग 1733 ईस्वी में स्थापित यह शहर कभी भरतपुर रियासत की राजधानी था, जिसकी स्थापना ठाकुर चूड़ामन सिंह जाट ने की थी, लेकिन बाद में शासक राजा सूरजमल ने इसे सजाया और संवारा था। यह अपने समय में जाट शासकों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के मंदिर, महल व किले जाटों के कला कौशल की गवाही देते हैं। फ्रेंड, इस शहर का नामकरण भगवान राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है और भगवान लक्ष्मण इस राज परिवार के कुलदेव माने गए हैं। फ्रेंड, भरतपुर में होली एक प्रमुख त्योहार है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसमें देश के कई राज्यों से आए लोक कलाकारों की नृत्य प्रस्तुतियाँ और अन्य रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और इस शहर में मुख्य रूप से मेवाती ब्रज भाषा व हिंदी भाषा बोली जाती है। फ्रेंड, इस शहर को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। फ्रेंड, भरतपुर में स्थित बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। यहाँ सर्दियों में ज्यादा रौनक रहती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ कई रंग बिरंगे पक्षी प्रवासियों का आगमन होता है। यहाँ करीब 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हैं, जिसमें आपको छोटे बतख से लेकर जंगली बतख, सामान्य बतख और लाल कलगी वाली बतख तक देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की क्षेत्रफल की, तो यह शहर 5066 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो जयपुर से 187 किलोमीटर दूर और देश की राजधानी दिल्ली से 223 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान की संस्कृति और बेहतरीन वास्तुकला का दीदार करना है, तो लोहागढ़ किला जरूर जाएं। यह किला इतिहास में बने सबसे मजबूत महल में से एक है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 मार्ग हैं, दक्षिण में चौबरजा और उत्तर में अशधातु है। इस किले में आपको कई प्राचीन चीजों के साथ ही विभिन्न हथियार भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस शहर में उच्च शिक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय से संलग्न अनेक महाविद्यालय है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई अच्छी स्कूल है। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा के लिए एक सरकारी इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा कॉलेज है। भरतपुर के प्रमुख उद्योगों में तेल मिले, धातु निर्माण कारखाने, रेलवे कार्यशाला और मोटर गाड़ी बनाने के कारखाने भी शामिल है। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर की जनसंख्या 25 लाख के लगभग है और इस शहर की साक्षरता 72% है। महिला पुरुष अनुपात 877 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। फ्रेंड, भरतपुर शहर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डीक पैलेस अपने राजसी किलेबंदी, शानदार महलों, सुंदर बगीचों और सुंदर फव्वारों के लिए जाना जाता है। यह जगह कभी भरतपुर के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में यह पैलेस अपने धार्मिक महत्व व ऐतिहासिक भव्यता के लिए जाना जाता है। अगर आप भरतपुर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो डीक पैलेस की यात्रा के लिए जरूर जाएं। फ्रेंड, यहाँ स्थित भरतपुर का गंगा मंदिर कई सालों पुराना है। इस मंदिर में बनी मगरमच्छ की पीठ पर गंगा माता की सफेद संगमरमर की प्रतिमा सैलानियों को काफी आकर्षित करती है। यह मंदिर पुरानी शिल्प कला के हिसाब से बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तीज त्योहारों के मौकों पर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, भरतपुर का बांके बिहारी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। आप मंदिर के मुख्य कक्ष के बाहर बरामदे की दीवारों पर भगवान कृष्ण के बचपन की तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवारों और छतों पर अनेक देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं। दोस्तों, भरतपुर शहर की सीमा कई सारे जिलों को भी स्पर्श करती है, जैसे अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर तथा उत्तर में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। दोस्तों, भरतपुर शहर के मध्य में 2 लक्ष्मण मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर लगभग 4 शताब्दी पुराना है और दूसरा लगभग 300 वर्ष पुराना है, जिसको भरतपुर के संस्थापक महाराजा बलदेव सिंह द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर बड़ी ही खूबसूरती के साथ बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। अगर आप भरतपुर की यात्रा पर हैं, तो आपको इन दोनों मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।